रविवार को क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी ने नगर परिषद पलेरा द्वारा निर्मित विभिन्न निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया, जिसमें शिवराज तलैया के पास नमो उपवन पार्क व कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का उद्घाटन किया। सर्वप्रथम मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचकर कब्रिस्तान बाउंड्री वाल का उद्घाटन किया। तत्पश्चात मुस्लिम समुदाय ने क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी को आभार पत्र सामूहिक रूप से प्रदान किया तथा खुशी जाहिर की। साथ ही मुस्लिम समुदाय ने जामा मस्जिद के पास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य की मांग की। इसके साथ ही कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट, चौकीदार निवास, पानी की व्यवस्था, वृक्षारोपण आदि की मांग की गई, जिस पर क्षेत्रीय विधायक ने उक्त मांगों को अति शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया। नमो उपवन पार्क का उद्घाटन करने के बाद रानू तिवारी ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के संग विधायक राहुल लोधी से पलेरा में ITI कॉलेज तथा PG की क्लास जल्द प्रारंभ करने की मांग की। वहीं पलेरा में अहिरवार समाज के लोगों के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई तथा अहिरवार समाज के हित में कार्य करने का आश्वासन दिया। टीकमगढ़ पलेरा से UD News के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट।